मैं शर्मिला जजोड़िया, राम रंजन झुनझुनवाला महाविद्यालय मुंबई से कहानी सुनाओ प्रतियोगिता में विविध वर्ग अंतर्गत भाग ले रही हूँ। मेरी कहानी सुप्रसिद्ध लेखिका मृणाल पांडे की कहानी लड़कियों पर आधारित है। इस कहानी में यह बताया गया है कि भारतीय समाज में लड़कियों को किस प्रकार दुय्यम दर्जे से देखा जाता है। इस कहानी में लाली की माँ गर्भवती, वह अपनी तीन लड़कियों के साथ अपनी माँ के घर जाती है। वहां लाली और उसकी बहन लक्ष्मी देखते हैं कि नानी और परिवार के अन्य सदस्य किस प्रकार लड़कियों को हीन भावना से देखते हैं। जब लाली नानी की गोद में बैठना चाहती तो उसे बैठने नहीं दिया जाता है। लाली को बहुत गुस्सा आता है, परंतु उसकी बहन लक्ष्मी उसे मना कर देती कि वह किसी से किसी प्रकार का प्रश्न न कर। तो लाली उसकी बात मान जाती। लाली की माँ, मामी और नानी तथा परिवार के अन्य सदस्य ये चाहते हैं कि इस बार उसकी माँ एक पुत्र को जन्म दे ताकि समाज में उनका मान सम्मान बढ़े। लाली इन सब बातों से बहुत दुखी होती। दूसरे दिन नवरात्रि के पूजा में कन्या कुमारी को पूजा में आमंत्रित किया जाता है, जिसमें नानी व घर की अन्य औरतें कन्याओं को हलवा पूरी और प्रसाद देना चाहते। जब लाली को इस पूजा के बुलाया जाता तो वह बिफर उठती है। वह कहती है, जब आप लड़कियों को प्यार नहीं कर तो उन्हें हलवा पूरी और प्रसाद खिलाकर देवी का दर्जा क्यों देना चाहे। वह इस बात को सहन नहीं कर पाते कि लड़के और लड़कियों में अंतर किया गया। वह उनकी बराबरी के लिए लड़ना चाहती। इस प्रकार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। कहानी का उद्देश्य है कि लड़के और लड़कियों में समाज कोई अंतर ना करे और उन्हें समान दर्जे दे, ताकि लड़की भी लड़के के समान स्वस्थ समाज में स्वस्थ जीवन जी सके। धन्यवाद।